नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के लोंगू रेंज धनसुआ वनखंड के कक्ष क्रमांक 644 में वेदानंद राय के द्वारा खनिज अधिकारी से साठगांठ संचालित कटेझरिया माइंस कोड क्रमांक में चिखला जोड़ी निवासी जगदीश सरोती की माइंस के सुरंग में गिरने से मौत हो गई थी, जिसके परिवार को माइंस के संचालक वेदानंद राय के द्वारा मात्र 1,00,000 रुपये दिए गए और 6,000 रुपये देने की बात की गई थी। खनिज अधिनियम, वन अधिनियम और श्रम अधिनियम के विरुद्ध संचालित माइंस में मजदूरों को हजारों फीट गहरे सुरंग में बिना सेफ्टी के काम करने को मजबूर किया जाता है। मजदूर पेट की आग बुझाने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मजबूरी में मौत के मुंह में जाकर काम करने को मजबूर है, जिनकी मजबूरी का लाभ वेदानंद राय उठा रहे हैं, किंतु उन मजदूरों का दुख दर्द देखने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। या ये कहें कि माइंस संचालक वेदानंद राय के रुपयों के तले दबकर ये अधिकारी अपनी आत्मा और अपनी जमीर को बेच दिया है। नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे ने कहा कि मेरा पूरा जीवन गरीब मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ते और संघर्ष करते बीत रहा है। जब तक मृतक मजदूर के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक मेरी कलम चलती रहेगी और संघर्ष जारी रहेगा। श्री ब्रह्मे ने कहा कि मेरे द्वारा अनेकों बाल मलाजखंड कॉपर माइंस और उकवा और भरवेली माइंस में काम कर रहे मजदूर या कहीं के भी मजदूरों की समस्या रही हो, उस समस्या को कलम के माध्यम से उठाकर उनको न्याय दिलाने का काम किया है। जानकारी के अनुसार मेरे और भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख राजकुमार मोहारे के कलम चलने के बाद आनन फानन में संबंधित अधिकारी की टीम मौका स्थल पर पहुंचकर वेदानंद राय के द्वारा मजदूरों से नियम विरुद्ध कराए जा रहे काम का जायजा लिया गया है, लेकिन कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है। नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे और भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख राजकुमार मोहारे ने कहा कि यदि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए मृतक मजदूर जगदीश सरोते के परिवार को मुआवजा 1,00,000 रुपये और जब तक मृतक को मजदूर के बच्चे बालिक नहीं हो जाते, तब तक परिवार को 25,000 रुपये प्रति माह देकर लिखित रुपये से लिखकर हमें नहीं दिया जाता है, तब तक हमारे द्वारा मजदूर के हक की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। सूरज ब्रह्मे, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव, नरेंद्र मोदी विचार मंच। देखिए, पैसिफिक कंपनी जो है ये तो पूरा फर्जी चल रहा है, क्योंकि वो लीज जरूर लिए हैं, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति को लीज पे वहाँ पे खनन करने के लिए अनुमति नहीं दे सकते। यदि उसको अनुमति दी जाती है तो वो केंद्र सरकार की सहमति से ही अनुमति मिलती है, लेकिन केंद्र सरकार की कोई अनुमति नहीं है। वो वहाँ पे अवैध रूप से मजदूरों से काम कराया जा रहा है, जिससे एक मजदूर 12/5/2024 को एक मजदूर की सुरंग में गिरने से मौत हो गई। उस मामले को लेकर हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता भी बालाघाट जिला मुख्यालय पर लिया था और हमने सरकार से मांग किया था कि वेदानंद राय जो वहां का संचालक है उसकी पूरे वो खनन की जांच कराई जाए और उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करते हुए उससे गिरफ्तार किया जाए और मजदूर की मौत पर उसके परिवार को 1,00,000 रुपये मुआवजा के रूप में दिलाई जाए, और साथ ही जब तक मजदूर के बच्चे बालिक नहीं हो जाते तब तक उनको 25,000 रुपये प्रति माह दिया जाए, ऐसा हमने सरकार से मांग भी किया है। और हम ये कहना चाहते हैं इस संबंध में कि वेदानंद राय जो बिहार का रहने वाला है, वो हमारे बालाघाट जिले में आके जिला मुख्यालय में नगर पालिका क्षेत्र में उनने पूरा भंडारण करके रखा है, क्या नगर पालिका से उसको अनुमति है? जबकि हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि कोई भी भंडारण नगरी क्षेत्र में नहीं किया जाएगा, अगर कोई भी भंडारण किया जाए या कोई खनन किया जाएगा तो वो केंद्र सरकार की अनुमति से किया जाएगा, लेकिन वेदानंद राय के द्वारा नियम विरुद्ध वहाँ पे भंडारण करके रखा गया है। इस संबंध में भी हमने शासन प्रशासन से मांग किया है कि उसको तत्काल वहाँ से भंडारण को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि पूरा बालाघाट शहर उसके भंडारण से प्रदूषित हो रहा है। वहीं पे नज़दीक में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मरीज परेशान हो रहे हैं उसके डस्ट उड़ने से, क्योंकि पूरा मैंगनीज वहाँ पे जमा किया हुआ है। वेदानंद राय अपनी तानाशाही चलाते हुए फॉरेस्ट के अधिकारियों से, अपने खनिज अधिकारियों से और श्रम अधिकारियों से साठ गांठ करके अपनी मोनोपल्ली चलाते हुए वहाँ पे भंडारण करके रखा हुआ है।